भाई और भाई 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 बिक जाता बिक जाता बिक जाता बिक जाता। अरे वही तो ठुक जाती यार, देख नहीं रहा था वो। बाकी कोई नहीं, बच गया कुछ। अरे वही तो गलती, आप कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। बस देना ना भाई को, अगली बार लेना। तू क्या साल दो साल में नानी के घर से आया था क्या? जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, हमारे पिछले वाले व्लॉग में एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था और उसे काफी ज्यादा इंजरीज हुई थी भाई। तो फिर हमें बाद में पता लगता है, जब मैंने उस व्लॉग को अपलोड किया भाई, उस बंदे की ना डेड हो चुकी है और वो एक लड़के के फादर थे। और भाई उस बंदे का मेरे पास कमेंट आया कि भाई ये ना मेरे पापा थे। तो भाई जब उस लड़के का कमेंट आया ना, तो उस टाइम पे ऐसा दिल में हुआ कि यार इसने कैसे देखा होगा अपने फादर को अपनी आंखों के सामने भाई। मतलब उस टाइम पे अगर कोई मेरे से पहले भाई, वो आधे घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ था, अगर मेरे से पहले कोई एम्बुलेंस वहाँ पर बुलवाता ना भाई, तो उसकी जान बच सकती थी यार। वो इंसान बच सकता था यार, किसी की फैमिली बच सकती थी, लेकिन वो नहीं बच पाए भाई। तो मैं तो ज़्यादा क्या ही बोल पाऊँगा भाई, भगवान उनकी फैमिली को इस दुखी दुख के अंदर से निकलने की भाई हिम्मत दें। और ना भाई, मतलब दिल टूट जाता भाई जब किसी का कमेंट आता है कि यार ये मेरे फादर थे। तो भाई मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी, मैंने उतनी कोशिश करी गाइस। तो आज जैसा कि तुम लोगों को पता है भाई, आज संडे, तो आज हम फिर से जाने वाले हैं एक संडे राइड पे। और आज ना हमें कोई धार्मिक काम भी करना है, क्योंकि सुबह पहले एक भैया का फोन आया था मेरे के, बोले आज हमें ना कुछ लोगों को मतलब बांटना है। तो अभी जस्ट वहीं पे चलते हैं। मैं तो नहा धो के रेडी हो चुका हूँ भाई। और मैं तुम्हें बताऊँ, सुबह पहले मेरे पापा ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए भाई आज। तो ये किसी नॉर्मल बंदे की एक महीने की सैलरी भाई जो मेरे पापा ने दी, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता भाई। ठीक है, उनसे पैसे लेना नहीं लगता मेरे को अच्छा, बट उन्होंने दे दिए भाई। मैं सो रहा था, उन्होंने बुलाया कि इधर आ, और ऐसे जस्ट निकाले और गिन के दे दिए। तो भाई जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं ना कि हाँ पापा क्या दिक्कत है, आ रहा हूँ ना, ये वो, पता नहीं है क्या आपको बाहर हूँ, तो कर लो भाई, कोई काम नहीं आएगा। आखिर में वहाँ पे काम आएगा दोस्तों, मैंने तो देख लिया चीज़, कोई काम नहीं आता भाई। सो अभी निकलते हैं भाई। और आज मैं ये वाला शूज़ भाई, ये ना मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शूज़ है, जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसे काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन ये है ना हमेशा प्रीमियम ही लगता है भाई। नया ही लगता है ये, क्योंकि इसको धोकर वॉश करके रख देता हूँ ना, तो इसका कलर वगैरह कुछ भी फेड नहीं होता। तो जस्ट आज इसे पहनते हैं हम, और उसके बाद निकलते हैं एक अच्छी सी राइड में भाई। अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट किया करो यार, और भी कुछ बातें जो रास्ते में बताते हैं। सो गाइस, ये खड़ा हुआ मॉन्स्टर। और भाई रात को ना बारिश आई थी बहुत ज़्यादा भयंकर, तो मौसम भाई काफ़ी बेवफा हो गया था रात को, कसम से। इतने दिनों बाद भाई 45 टेम्परेचर जा रहा था, 50 जा रहा था, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अभी हवा चल रही है भाई और गर्मी नहीं है भाई उतनी ज़्यादा। तो अभी निकलते हैं फटाफट से भाई। मॉन्स्टर को भाई रात को बारिश आने की वजह से मॉन्स्टर ना गंदा हो गया था भाई, तो इसको मैंने आज धो लिया था सुबह पहले भाई। वो पिछला वाला एक्सीडेंट ना भाई जस्ट इस जगह हुआ था, हाँ यहाँ पर, और शायद तक आधे घंटे पहले कोई भाई एम्बुलेंस बुला लेता या कोई पुलिस बुला लेता तो उसकी जान बच जाती भाई। लेकिन कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहता गाइस, तुम्हें पता है यार आजकल कौन पुलिस का लफड़ा रखेगा। तुम्हें पता है मेरे पास भाई कम से कम 6-7 बार कॉल आ गया था उनका भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो लोगों को ना डर लगता है भाई, तो इस वजह से। बट यार जो भी मिले ना हेल्प कर देनी चाहिए भाई, सच बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है भाई। तुम्हारी वजह से किसी की जान बच गई, किसी की फैमिली बच गई यार, किसी ना किसी रूप में तो भाई वो तुम्हें दे ही देते हैं भाई दुआ। भाई भगवान उसको सलामत रखे, बेचारे ने बचा लिया, उसका भला हो, तो ऐसे करके भाई हो ही जाता है यार। बट कर दे अगर वो हेल्प भाई, जो भी मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। भाई ये सामने ही हो रहा है, जो हो रहा है शायद तक यहीं है भैया, यहीं है यार। उनकी गाड़ी भी तो खड़ी हुई है भाई वहाँ पर सामने, वो दिख रही है ना भाई, वो ब्लैक कलर की थार। आज जैसे कि 11 है भाई, तो भैया वगैरह यहाँ पर ना जूस वगैरह बांट रहे हैं भाई। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, लाइक उन्हें पता नहीं था भाई मैं फ्री नहीं हूँ, तो बट कोई नहीं, कल मिल लेंगे उनसे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भाई, और जूस वगैरह बांट रहे हैं भाई। मैं तुम लोगों को बता दूँ, ये जो सामने पीले कलर की टी शर्ट में भाई ये लड़का खड़ा हुआ है ना, जो गाड़ी को वो कर रहा है, हाथ में भाई इसके बोतल भी है, तो ये पॉलिश बेचने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि भाई तुम इन लोगों से पॉलिश मत खरीदना, ये अभी तुम्हारी गाड़ी पर लगा देंगे, लेकिन उसके बाद जो स्क्रैच निकलेंगे ना भाई, वो इतने गंदे होंगे जिसकी कोई हद नहीं है भाई। पूरी गाड़ी का कलर उड़ा देगा और स्क्रैच कर देगा भाई।
तो जो भी पेट्रोल पंप के बाहर से मतलब ये चीज़ें खरीदते हो ना, पॉलिश वगैरह मत खरीदा करो, क्योंकि लोकल बोतल होती है भाई, अच्छी कंपनी का मंगवाओ, समझ गए? तो तब लगवाओ उसे। अब ये आपकी गाड़ी को ख़राब कर सकता भाई, कसम से सही बता रहा हूँ। कभी अगर जिसने भी लगवाया है तो भाई वो कमेंट कर देना क्या एक्सपीरियंस रहा है उसका, बाकी ये चीज़ मत लगवाया करो तुम। अभी देखते हैं अगर ये हमारी बाइक के लगाता है तो। क्या है भैया ये बाइक के लिए होता है सर, अपनी बाइक के कलर को डल नहीं पड़ने देता। ये देखिए सर, लगा कर दिखाता हूँ आप। वही सर, बस बस इतने से जगह लोग अपनी बाइक एजेंसी से लाने के टाइम तो होता है, कितना भी नाखून मारेंगे आप स्केच करेंगे, ज़्यादा मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, कितना भी कहीं भी लगा दूंगा भाई। यार मेरे दोस्त के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, उसने भी यही लगवाया था, लेकिन उसकी टंकी पे थोड़े टाइम बाद स्क्रैच आ गए थे बहुत ज़्यादा। ये वो चीज़ नहीं है सर जी, नोमैक्स टेफ्लो कोटिंग होता है। कितने का आता है ये? मार्केट से लेंगे 320 रुपये, 300 रुपये का आएगा, यहाँ पे आपको मात्र 220 का दिया जा रहा है। नहीं अभी तो घर पे यूज़ कर रहा हूँ भैया, अभी तो ज़रूरत है नहीं। धूल मिट्टी रेस्ट आने नहीं, नहीं नहीं ज़्यादा मत लगाओ भैया, रहने दो। नहीं नहीं मत, टीवी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन फर्नीचर का सामान है, कांच की खिड़कियाँ हैं, शीशे हैं, कहीं भी लगा। नहीं मेरे को तो बाइक के लिए चाहिए, वो फिलहाल है मेरे घर पे, तो बाद में कभी ज़रूरत होगा तो ले लेंगे भाई। टीवी फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह का तो काम है नहीं, वो तो लेडीज़ के काम है भैया, इसके लिए है, इसके पास है मेरे पे। नहीं नहीं है मेरे पास यार, यूज करके देखिए फायदा नहीं नहीं अपना हो रहा है, छोटा सा खर्चा। नहीं नहीं भैया फिलहाल तो है भैया यार, नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो नहीं चाहिए यार, सॉरी। बाकी कभी चाहिए होगा तो ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं भैया यार, अभी है मेरे पास, आपकी कसम बोतल पड़ी हुई है भाई, तुम देख रहे हो 150 रुपये दे दो। अब इसने साल लेने भाई टंकी पे भी रगड़ दिया, अब मेरे को वो डर लग रहा है कि चलो ठीक था, यहाँ तो पाइप ये यहाँ तक तो मेरे PPF था, लेकिन इस जगह नहीं है भाई, समझ रहे हो? तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मुझे। हाँ क्या हो गया? 10 रुपये खुले नहीं है यार दोस्त, खुले नहीं खुले नहीं, अगली बार दे दूंगा। साइड हो लग जाएगी, साइड हो जा, साइड हो जा, लग जाएगी। कौन सा अभी खुले नहीं मेरे पास, दे दूंगा नहीं तो, खुले नहीं है। हाँ भाई मैं तुम लोगों को बता दूँ, ये जो सामने दिख रहा है ना तुम्हें, ये लिखा हुआ है सरकारी, है ना, सरकारी भांग कटेगा, तुम्हें दिख रहा होगा सामने जस्ट, ये जो ये ना खम्बा, इसके सामने जो सरकारी भांग कटेगा है। तो आज सुबह पहले भाई मेरे पास एक बंदे का मैसेज आता, भैया मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, आप मेरी दुकान पर आ जाओ। मतलब वो मेरे को राजस्थान का नंबर वन मोटो ब्लॉगर बनना है, तो आज मैं भांग का प्रमोशन करूंगा। हाँ भाई ट्रैफिक खुलने वाला है यार, भाई ट्रैफिक खुलने वाला है। बस दे दो ना भाई को, अगली बार लेना आप। बाबू मैंने दे दिया, मना नहीं करता मैं, छोड़ो तेरी कसम अगली बार दूंगा भाई। वो इतने सारे पैसे देखकर चौंक गए वो बच्चे, भैया 10 रुपये मुझे भी दे दो, 20 का दे दो, ये दे दो। ठीक है भाई जो भी है यार, नॉर्मल दे दिया करो जो भी है। सो भाई ये होता है भाई का कॉन्फिडेंस, देख रहे हो यार, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो भाई अच्छा लगता है भाई जब मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं यार। भाई की बाइक थी लेकिन बाइक पता नहीं कहाँ गई हुई है, शायद तक इसके फादर ले गए, और भाई मुझे इंस्टा पे मिला था, तो देख रहे हो भाई हेलमेट है भाई, भाई बोला गोप्रो जितना बजट है नहीं, बट फ़ोन से कर रहा है भाई, स्कूटी से कर रहा है, तुम लेवल देख सकते हो भाई का, तो सपोर्ट करना भाई भाई को जो भी हो यार। भाई तुम देख रहे हो धूप से बचने के लिए भाई यहाँ पर भी ट्रैफिक के अंदर ये चीज़ें लगा दी गई है भाई, देख रहे हो टेंट वगैरह जो भी है, मतलब जो भी यहाँ रुकेगा ट्रैफिक में, और बहुत अच्छी चीज़ है भाई। और भाई 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 बिक जाता बिक जाता बिक जाता बिक जाता, टच नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं जाओ। अरे वही तो ठुक जाती यार, देख नहीं रहा था वो, बाकी कोई नहीं बच गया कुछ। अरे वही तो गलती, आप कोई दिक्कत नहीं है, जाओ भाई देख के चला यार, ठुक जाता दोस्त यार। भाई तू सामने देख यार, सामने देख, अभी ठुक जाता उस पे, मेरा अचानक से ध्यान गया तेरे ऊपर, जब राइड करे ना तो सामने ध्यान रखा कर पूरा। मैं अपने आज तुम तो मेरे पीछे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे रहो चाहे से थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखो भी ठुक जाता यार फालतू में, जब भी राइड करो तो सामने फोकस रखा करो।
भाई ये चीज जो भी है, नए राइडर से भाई तुम निकल तो जाते हो लेकिन ये चीज रखा करो, ठुक जाते भाई गाड़ी वहां पर, और भाई का भी नुकसान हो जाता है यार। पहली बार मिला है मुझसे तो भाई अच्छा नहीं लगता भाई, ठुक जाता है यार कसम से यार। मैं पन होती है भाई मेरे साथ, कसम से मैं बता रहा हूँ भाई। राइड सेफ करो भाई, कसम से भाई राइड सेफ करो। बट कोई नहीं, बच गया भाई, मैंने कन्विंस कर लिया था उस भाई को, बोले कोई नहीं। मुझे इस कॉलोनी का नाम तो नहीं पता लेकिन भाई यहाँ पर सारे मोमडन्स ही मोमडन्स है और हर जगह मीट की दुकान है भाई, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है भाई, मेरा तो उल्टी हो जैसा मन हो जाता भाई, सही बता रहा हूँ मैं। और हर जगह बिरयानी वगैरह तो मेरे को तो ठीक नहीं लगती भाई। तो यहाँ पर ना ऐसा भाई, अभी जस्ट एक सामने से एक बंदा आ रहा है चश्मा लगा के भाई, सामने वाला नहीं दिख रहा उसे, मतलब मैं नहीं दिख रहा भाई, अभी ठोक देता कसम से। तो इतना ज़्यादा वो है भाई यहाँ पर। तो जो भी बंदा हमारे साथ राइड पे आता है ना भाई, वो एक तो हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। और जैसा कि अभी भाई मेरे साथ आया हुआ है, छोटी सी गली है भाई, बार बार पीछे देख नहीं सकता मुड़ के, तो शीशे में देखना पड़ता है भाई चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी जस्ट देखो आगे निकल गया, तो ये देखना पड़ता है भाई कहाँ से चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा, तो डर लगा रहता है भाई क्योंकि जिम्मेदारी बन जाती है। और भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मेरे को स्कूटी के कट मारने में बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि इसके छोटे से टायर होते हैं और वो जल्दी से स्लिप हो जाते हैं भाई। भगदड़ी मची हुई है भाई कसम से, वो बंदे जो आगे दौड़ते बिना हेलमेट के, क्या हो गया भाई एकदम से, कैसे रोग्राम मारेगा क्या भाई कसम से यार। और ना ये भाई भी साइड नहीं दे रहा भाई, ले अब मैं परेशान करूँ भाई तुझे, अच्छा लगेगा भाई मैं सही बता रहा हूँ, इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये कंटेंट देके जाएगा मुझे आज के दिन भाई कसम से, जिस हिसाब से ये चला रहा है ना पक्का कंटेंट देके जाएगा ये मुझे, देख रहे हो। बट जो भी चलाओ भाई एंजॉय करो भाई कसम से यार, आज का दिन बुरा भाई कसम से भाई। राधे राधे राधे, सब कुछ ठीक होगा भाई कसम से, ऐसे नेगेटिव भाई वो नहीं लानी हमें थिंग्स। और भाई कहाँ निकल गया वो बंदा, देखो भाई या तो मुझे इम्प्रेस करना चाह रहा है या कंटेंट देना चाह रहा है, दोनों बातों में से एक हो सकती है भाई। और भाई सिंगल लेन रोड है भाई यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा वो डर लगा रहता भाई, बाकी हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं है मेरी जान। ओ भाई 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 भाई, भाई लौंडा इम्प्रेस, हाँ भाई कर देता है ना मेरे को, हाँ तो फ्लाइट मोड पे डाल दे भाई। तो भाई यार एक तो लोग बाग ऐसे चलाते हैं डरोर लगता है भैंस के टांग, वहां से वो सामने भी चाह रहा था वो टैक्सी वाला, वो साइड नहीं दे रहा एकदम से, फिर ब्रेक लगा दी उसने। रिएक्शन अच्छे मिल रहे थे आप? अरे वो मैं लेता ही नहीं हूँ यार। क्यों कैप्चर खराब हो रहा है यार? नहीं भाई मेरे को अच्छा ही नहीं लगता रिएक्शन लेना, नहीं लगता यार तेरी कसम, पता नहीं क्यों नहीं लगता पर नहीं लगता। पैसे लगा तो रिएक्शन तो लगेगा यार। भाई बारिश आई थी उसकी वजह से देख रहा है, बारिश रात को ठीक है, बारिश आई थी भाई, तुम्हारे बारिश नहीं आई कहां, ये इतनी बारिश कहां आई थी बताओ भाई। यार हमारे 15-20 मिनट बारिश आई है भयंकर वाली कसम से, नाइट में आई थी, बूंदाबांदी आई थी बूंदा भाई, हमारे तो भयंकर आई थी, रात को आई थी, सुबह का तो पता नहीं, रात को आई थी भाई 6-7, 7:30 बजे से भाई। ब्लू कलर की है, खा गई है भाई, ये रही देख देख, नीली नीली दिख रही होगी, दिख रही है ना, और किसी को देख के लगता है इसमें मछली होगी भाई कसम से। यहाँ पे इतनी गंदगी कर रखी है ना लोगों ने भाई, पानी साफ हो सकता है और इसके अंदर भाई जीवन रहता है, तुम्हें देख रहे हो यहाँ से, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा प्यारी मछलियां हैं भाई, कलरफुल, और सारी एक ही कलर की, एक ही ब्रीड की है भाई इनमें, वो देखो तुम्हें दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी। सो भाई लोग अभी भाई हमारे साथ कैमरा लेकर आया था फोटोशूट के लिए, तो देन फोटोशूट वगैरह कौन सा भाई है? ये M3 Sony DSLR। अच्छा कितने का आता है ये? ये 2.5 लाख का। और यार एक मेरा दोस्त है तो उसके पास ना सोनी, मतलब उसके पास भी ढाई, पता नहीं यार कौन सा है, कैनन का लोग ज्यादा लेते हैं लेकिन सोनी का मतलब अलग ही है इसकी तो। अच्छा तुम्हारा असली नाम पूछना भूल गया, देवेंद्र शर्मा है वैसे, देवेंद्र और निकनेम गोलू है भाई, देवेंद्र भाई गोलू, ठीक है देवेंद्र भाई गोलू, देवेंद्र भाई गोलू भाई, क्या को बोल सकता है क्या? नहीं नहीं सब बोल, अपन भी चलते हैं, बोले एक काम करते हैं ना कि बोले हम मैम यहाँ से आया हूँ, यहाँ तो कोई अंग्रेज भी नहीं है भाई, उसकी फोटो ले लेते हैं बट कोई नहीं, हम खुद ही ले लेते भाई, हम कौन से अंग्रेज से कम है।
ठीक है। और ना भाई तुम देख रहे हो यहाँ पे दारू वारू चल रही है भाई, कसम से यही चीज़ बुरी लगती है, लोग सुबह पहले दारू पीने आ जाते हैं भाई। क्यों नहीं पियेंगे यार, उनके लिए अमृत है वो। और तुम देख सकते हो बढ़िया मछलियाँ वगैरह भाई, फंक्शन वगैरह मोड वगैरह डाले हुए हैं अभी, लाइक 69 और पोजीशन है भाई 69 तो है ना, तो उस पर ये लगा हुआ है और ये भाई चला रहा है। ठीक है, बिना स्टैंड के स्टार्ट नहीं होती ना भाई, बाइक वाला ही सिस्टम है। अरे भाई आवाज़ ही नहीं आती भाई यार, ये स्टार्ट होते ना उसकी आवाज़ ही नहीं आती कसम से। यहाँ पावर लिखा हुआ आता है, इको पावर, अभी पावर में है ये, मतलब इको है, रेंज है और ये है ना। अच्छा भाई बैटरी बहुत खाती बताए पावर में। और वहाँ सामने ना भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ट्रेडिशनल, अब वो देख रहे हो इनको ना ड्रेस वगैरह दी हुई है भाई, लाइक ड्रेस वगैरह दी हुई है भाई इन लोगों को। और ये लड़कियाँ देख सकते हो यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी लग रही है भाई, कितनी क्यूट लग रही है ये भाई। कैमरा निकालो ना आपका भाई, यहाँ देख सकते हो कितना ट्रेडिशनल लुक है भाई, कितना प्यारा लग रहा है। अपन भी इस जगह खिंचवाएंगे यहाँ पे। तो यो है मरो राजस्थान भाई, ड्रेस पहन लीजिए भाई कसम से यार, बहुत प्यारी लग रही है भाई ये लेडीज़, मतलब ड्रेस प्यारी लग रही है, लेडीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती भाई। कौन सा? हाँ अपना तो बड़ा भाई, ठीक है ले भाई तू मेरी खींच है ना, मेरे को बताना कैसे क्या करना है भाई। मैं तुम्हें कंटेंट देने की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि ये बंदा फिर से तेज चला रहा है और स्कूटी को क्या भगा रहा है भाई यार ये, और इसकी गाड़ी भागती है भाई, बढ़िया भागती है इसकी गाड़ी यार, वो देख रहे हो कैसे कट मार रहा है। अब इसको लोग देख रहे होंगे तो क्या बोल रहे होंगे, भाई मेरे को डर लग रहा है बंदा भाई, अजीब ही चलाता है यार स्कूटी, और स्कूटी पे मेरे को तो डर लगता है भाई कसम से स्कूटी चलाने में। गाइस गुलाबी नगरी इज हियर, देख रहे हो ये पोल वगैरह जो सूरज वाला लोगो लगा हुआ भाई, काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और मुझे पता है भाई यहाँ से ये सिटी काफी ज्यादा अच्छी दिख रही होगी भाई, अट्रैक्टिव दिख रही होगी, मतलब लोकेशन बहुत ही प्यारी दिख रही होगी भाई। और तुम देख सकते हो भाई, भाई ने KTM, भाई जो लोग कहते हैं ना KTM छपरी है वो है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब प्यारी लगती है KTM। अब इसने देखो भाई ने कितनी प्यारी रैप करवा रखी है, कसम से बहुत प्यारी लग रही है, अच्छी रैप करवा रखी है भाई ने यार। अच्छा भाई क्या बोल रहा है यार। सो भाई लोग फिलहाल तो हमने भाई यहाँ से एक ये मास्क लिया भाई, मंकी मास्क, और भाई ने ये वाले ग्लव्स लिए थे जो कि इस वाली दुकान से थे भाई। तो अभी निकलते हैं भाई, और इसे एक माइक भी दिलाना है, और बाकी इसके लिए करेंगे भाई पूरी कोशिश एक GoPro वगैरह की यार, क्योंकि दिक्कत होती है भाई तुम्हें पता, फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है भाई शूट करने में, समझ रहे हो, फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भाई। मेरे से तो नहीं चल रही भाई कसम से, और मेरा तो मजाक बन गया होगा। और भाई देख रहे हो भाई R15 को नियॉन कलर में क्या प्यारी लग रही है भाई, और कहाँ गई भाई हमारी R1, कहाँ गई भाई वो रही भाई, मैं मजाक बन गया हूँ भाई मार्केट में कसम से, इसको चला रहा हूँ ना, एक तो पर्सनैलिटी ऐसी ऊपर से भाई, समझ रहे हो। कौन सा था भाई, इधर से ही तो है, इतना हो गया भाई, यहाँ पर पुलिस वुलिस आई हुई है, तो सिटी में भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है पुलिस की यार, दिक्कत तो क्या है भाई एक तरीके से है ही यार। सो गाइस फिलहाल भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए कॉफ़ी वगैरह पीते हैं अभी, और वाह यार क्या क्राउड है यहाँ, दो स्मॉल कॉफ़ी कर दो भैया आ जा भाई, मौसम ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो रहा है इस वजह से देख रहे हो, और भाई इस मौसम में भाई हमारी बाइक की फ़ोटो ले रहा है यार, मतलब कैमरा भाई इसके पास 2.5 लाख रुपए का, जो कि अच्छी बात है भाई, और ना है भाई सब मेहनती है यार अपनी। और तुम ये देखो भाई अभी तो कितना ज़्यादा डार्क हो चुका है मौसम भाई, देख रहे हो, मतलब आज बारिश भयंकर आएगी या तो मुझे घर जाना चाहिए वरना मेरी मामा डांटेगी भाई मेरे को कसम से। कैसे कौवा उड़ रहे हैं भाई आसमान में, कबूतर उड़ रहे हैं भाई, भाई आंधी चल रही है भाई, भाई कौन सा ब्लॉगर निकलता होगा इस टाइम पे ये सब कैप्चर करने के लिए भाई,
देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है भाई सब कुछ यार। और देख रहे हो यार मस्त मजा आ रहा भाई, जिंदगी जी रहे हैं भाई। एक बार फिर से बोल क्या बोल रहा था। नहीं इससे पहले क्या बोल रहा था। बोल रहा था ना। अब बोल 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 बोल, मेरे को गाड़ी पे घुमा दे बोल। तेरे को गाड़ी पे घुमाऊंगा ना तो यामा वाले मेरे को बॉयकॉट कर देंगे पीछे बैठा के। आ जा तो बैठ, बैठो सरकार, आओ चलाओ, चला के आओ ना, एक 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 राइड लेके आओ। गाड़ी सर्विस मांग लेगी तेरे बैठते ले, सर्विस भी करवा देना। तो यूट्यूब पे देख लेना तू। हाँ सबको बताना, देख मैं चला रहा था। आज से यामा वालों का मैं यामा वाले बॉयकॉट कर देंगे भाई। देख रहे हो पीछे से कैसा लग रहा है ये। पीछे से भाई ये नहीं दिखता। अरे कहाँ जा रहा है? अब वहां से घुमा के लाएगा भाई इसको, R15 दे दो भाई। देख रहा बंदे ने रोड पे नहीं रोकी। अब देखो भाई कैसा लग रहा है ये और हमारे। तू क्या साल दो साल में नानी के घर से आया था क्या? मजा आया? नहीं नहीं बावड़े ZX10 रे, R15 नहीं है ZX10 रे। तू जीते मत मेरे से। ठीक है ब्रो, ठीक है ब्रो, मिलते हैं ब्रो, नाइस टू मीट यू। ओके ब्रो, बाय ब्रो, सी यू बड़ी। सो गाइज फिलहाल भाई मैं ना भूपेंद्र के घर रुक गया था यार, और मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है, मैं तुम्हें बता दूँ, चक्कर वगैरह आ रहे बिकॉज मेरा ना बीपी लो हो चुका भाई, पता नहीं क्यों, और हो जाता भाई मेरा पिछली बार भी हो गया था, तो घबराहट होती है, पसीने आते हैं और काफ़ी ज़्यादा, मतलब सुबह से कुछ खाया भी नहीं यार भाई, पानी नहीं पिया शायद तक मैंने, पानी बहुत कम पिया भाई, एक ही बार शायद तक याद है मेरे को एक ही बार पानी पिया भाई मैंने दिन में, उसके बाद पानी नहीं पिया, तो मेरा बीपी लो हो चुका भाई, मतलब चक्कर से आ रहे हैं। आई होप घर ठीक पहुँच जाऊँ भाई, बस भाई फिट हो गई। देख रहे हो इस रोड पर ऐसे हादसे होते रहते हैं भाई, बहुत ख़राब रोड है, पनौती है भाई। गुड मॉर्निंग भाई, आई होप आप लोगों को कल का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो लाइक जरूर कर देना भाई, और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करना भाई तुम्हें कैसी लगी वीडियो। और मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी भाई है जो हमारा ग्रुप कर ज्वाइन करना चाहता है तो भाई कर सकता है, तुम मैसेज कर सकते हो भाई, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें भी करना है ग्रुप ज्वाइन हमारा तो आ सकते हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम सब्सक्राइबर हो भाई, जानने वाले हो, तुम्हें नहीं आओगे तो कौन आएगा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है भाई वो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। अगर तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर तुम उससे फॉलो कर सकते हो और बात बात कर सकते हो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।